सब्सक्राइब करिए फर्नीचर रियाज चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू फर्नीचर रियाज दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने लोहे के डंडे की टेक की धार कैसे लगाई जाती है, और दोस्तों बड़े अच्छे अच्छे आपको यानी कि वो स्टेप बताऊंगा, इसके अंदर ट्रिक बताऊंगा, जिनसे आपके काम में काफी आएंगे, जिनसे नए मेरे कारपेंटर भाई हैं, पुराने भाइयों को तो कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, पहले मास्टर माइंड होते हैं वो, और जिनसे नए इस लाइन में आते हैं उन भाइयों को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे टाइम में दोस्तों जिस टाइम हम काम करते थे हमें तो कोई सिखाता ही नहीं था, इतने ऑप्शन ही नहीं थे कोई सिखाए हमें। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये है दोस्तों हमारी टेक है, तो दोस्तों ये हमने सबसे पहले क्या करनी है, ये हमारी बिल्कुल राइट एंगल में रहनी चाहिए। देखिए जैसे ये हमारी, ये बिल्कुल राइट एंगल में है, यानी कि कई क्या करते हैं, जैसे नए आते हैं कोना इसका तेज कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे, बदगुनिया कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उस चांस में क्या होता है कि टप हमारा बराबर नहीं बैठेगा, ऐसे ऐसे बैठेगा, टप हमारा ऐसे बैठेगा जब बदगुनिया होगी, हमेशा टप के साथ बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए दोस्तों, टप बिल्कुल ना जो सा तेज के साथ मिलना चाहिए, ये आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल एक जैसा गैप है, देखो बिल्कुल एक जैसा गैप है, ठीक है। और दोस्तों पथरी का मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए दोस्तों पथरी बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए, तभी आपकी धार सीधी लगेगी, नहीं तो क्या होगा, ये बीच का पोर्शन आपका, ये साइड के पोर्शन गोल हो जाएंगे, आप कभी भी रंधा निकालोगे सिर्फ इतना ही लगेगा, पूरी टेक आपकी कभी इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है। और ये इधर से भी हमारी सीधी है पथरी, ऐसे भी सीधी है और ऐसे भी सीधी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और ये हमने एक पथरी का, पथरी के लिए स्टैंड बना रखा है, ये हम इसके अंदर दोस्तों डालेंगे, इससे क्या होगा पथरी यानी कि गिरेगी नहीं, क्योंकि अड्डे के ऊपर कई बार हम लोग धार लगाते हैं गिर जाती है हमारी, और दोस्तों इसी तरीके से हम इसको करेंगे। ये देखिए दोस्तों बढ़िया दोस्तों, इसको एक ही जगह नहीं आपने रगड़ना, पूरी पथरी का यानी कि पूरी पथरी का इस्तेमाल करना है, यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। अब हम पूरी पथरी को इस्तेमाल करेंगे, ये देखो एक ही जगह नहीं दोस्तों रगड़ना इसको, ये देखिए और हल्का सा दोस्तों इसमें पानी डालते रहेंगे। और दोस्तों जो सा ये हमारा पट्टा जिसे हम बोलते हैं बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इसके अंदर ढबक नहीं आनी चाहिए, यानी कि कहीं आप टेप को इस डिग्री में कर दो, कभी इस डिग्री में कर दो, क्योंकि शुरू शुरू में तो दिक्कत आती है। अब दोस्तों इसके अंदर हल्का सा बाला आ गया है, ये देखिए इसके अंदर बाला आ गया, ये हल्का सा आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए। और दोस्तों ये जो था टप है, ये जो थी टेक की जो था पट्टा टेक का जो था बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये हल्का सा भी ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा तो धार एक दो बार चलेगी फिर आपकी बैठ जाएगी। और दोस्तों पथरी का पूरा इस्तेमाल करना है आपने, पथरी आपकी टेढ़ी भी हो जाती है, यानी कि एक जगह अगर गड्ढा पड़ गया तो हल्का सा बजरपुर लेके आप किसी भी सीधी चीज को उसको रगड़ोगे तो एकदम सीधी हो जाएगी पथरी। ये हमारी बिल्कुल धार लग चुकी है दोस्तों। अब क्या हम करेंगे, इसकी पथरी की दूसरी सतह होती है बड़ी चिकनी होती है, ये इसलिए है कि बाले को हटाने के लिए दोस्तों। और दोस्तों इसको जिस टाइम हम इधर से करेंगे अच्छी तरीके से इसको, और दोस्तों इसी तरीके पूरा पथरी का इस्तेमाल करना है, यानी कि एक ही जगह नहीं रखना, वो फिर टेक आप जितनी मर्जी सीधी करोगे गड़बड़ करेगी आपकी। ये देखिए दोस्तों ये पट्टा बिल्कुल सीधा हो गया, आपको नजर भी आ रहा होगा, ये देखिए। और मैं इसको उल्टी, दोस्तों उल्टी तरफ से क्या होता है टेक को हल्का सा भी उठा के नहीं करना, बिल्कुल एकदम सीधी आपने छोड़ देनी ऐसे, और बिल्कुल हल्का के हाथों से ऐसे ऐसे करनी है। हल्का से ऐसे करेंगे, ये देखो दोस्तों ये तार छोड़ गई, यानी कि पट्टा इसका कट गया, ये देखिए नीचे।
ये देखिए दोस्तों चमक रहा है, ये लोहा छोड़ गया अपने, दोस्तों दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करके देख लेना, अब इसके अंदर बाल नहीं रहा, बिल्कुल लग चुकी धार। अब मैं आपको, ये काफी मोटा पेज है, ये दोस्तों काफी मोटा है, ये दोस्तों हमारी लग चुकी है। अब मैं इसको बांधना आपको बताऊंगा, इसको बांधा कैसे जाता है। दोस्तों टप को हल्का सा पीछे रखना, अगर ज्यादा अगर सफाई की जरूरत है तो आप आगे करो, तो उससे क्या होगा आपकी ये भारा चलेगा रंधा, जिसको आगे की तरफ आप टप को करोगे। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास अवार्ड का रंधा दोस्तों, इसी के अंदर मैं डाल रहा हूँ। दोस्तों बड़ी आसानी है, शुरू शुरू में तो खैर दिक्कत आती है इंसान को, जब आदमी काम करने लग जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये हमारा रंधा फिट हो गया, धार लगाने के बाद हल्का सा आप किसी भी अपने इसमें प्लेट में ऑयल वगैरह डाल बना सकते हो, डीजल वगैरह लगा सकते हो और हल्का हल्का से हाथों से इसको लगा दे रहे। दोस्तों एक तो चलेगा, बड़ा हल्का रंधा चलेगा, अब देखते हैं हम इसको लगाते हैं। और दोस्तों कभी भी आप धार लगाओ, हमेशा पहले कच्ची लकड़ पर हल्का सा रंधा लगाओ, अगर हार्ड लकड़ सागवन वगैरह पर लगाओगे धार एकदम मर जाएगी। ये आपको फार्मूला बता रहा हूँ, ये देखते हैं कैसे चलता है। ये देखो दोस्तों जितना लकड़ मोटी उतना ही छिलका उतर रहा है इसमें, ये देखिए चौरस धार में ये होता है दोस्तों, ये हमारी धार लग चुकी है। और दोस्तों मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ कि अपना जो गुटका रंधा होता है सफाई वाला, उसमें धार कैसे लगाई जाती है। ये दोस्तों सफाई वाला रंधा, ये दोस्तों हमने हाई स्पीड का बिट डाल इसके अंदर डाल रखा है, ये ब्लेड डाल रखा है। और ये देखिए इसमें रंधे में पहले प्लेट लगी हुई आई थी। तो दोस्तों जब सा गुटके रंधे की धार लगाते हैं, इसका प्रोसीजर अलग है तो वैसे ही है, क्योंकि गुटके रंधे की टेक को हल्का सा हम गोल करते हैं, क्योंकि अगर चौरस करेंगे तो इसमें बुरादा पकड़ेगा, 100% पकड़ेगा बुरादा। इसको दोस्तों हम हल्का सा ऐसे गोल करेंगे, हल्का सा गोल करना है, ये कोने हल्के से हमारे हल्की सी गुलाई आनी चाहिए, क्योंकि ये सफाई में अगर चौरस रहेगा फिर ये बुरादा पकड़ेगा। गुटके रंधे में हल्की सी धार गोल रखते हैं, ये देखो दोस्तों गोल के लिए क्या होता है, हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे, मूव ऐसे ऐसे करेंगे अपने आप इसकी गोल। और चौरस में क्या होता है, हमें बिल्कुल सीधा करना पड़ता है, ऐसे बिल्कुल सीधी चलानी पड़ती है, ऐसे करके भी धार लगा सकते हैं चौरस में, जैसे आपको अच्छा गुलाई में ऐसे करके लगाएंगे, ये देखो मैं दिखाऊंगा आपको। और दोस्तों पथरी का पूरा इस्तेमाल करना, कि आप कई कारपेंटर भाइयों के कमेंट आए थे कि धार बताना सिखाओ भी धार कैसे लगी जाती है रंधों में, क्योंकि तो बड़े वाले प्लेनर आते हैं उनमें तो दोस्तों मशीन के साथ लगी जाती है, जैसे हाई स्पीड की अपनी टेक आती है जिसे माइका वगैरह काटते हैं उसकी भी टेक आती है, तो ज्यादातर अपने कारपेंटर भाई तो मशीनों पर ही लगवा लाते हैं। ये थोड़ी सी हार्ड है, टाइम ज्यादा लगेगी दोस्तों।
और दोस्तों उंगली पीछे रख के लगानी है, क्योंकि शुरू शुरू में तो ऐसे होता है कोई भी आदमी जब धार लगाता है उसकी उंगलियां दो आगे की घिस जाती हैं। उंगली को थोड़ा सा पीछे करके आपने रखना है। और दोस्तों पथरी का पूरी का इस्तेमाल करना है, ये नहीं एक ही जगह रगड़ते रह जाओ आप, वो फिर खराब होगी। क्योंकि आजकल तो टेपे वगैरह चल चुकी हैं, क्योंकि टेप लगा देते हैं, पहले का उधर मार्चन लगता था, हम लोग आज भी मार्चन लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर सफाई की बहुत जरूरत रहती है। जब टीक का काम होता है दोस्तों, गुटके रंधे का ही काम होता है। आपको भी दोस्तों अगर चाहिए होगा, ये मिरिंडा कंपनी का हाई स्पीड ब्लेड आता है, ये हाई स्पीड का, ये मैं काफी लंबी पत्ती लेके आया था कवाड़िये से, तो हमने काट लिए थे 6-6 इंची के पीस, इसमें बाला आ चुका दोस्तों। फिर हम वैसे ही करेंगे, अब दूसरी तरफ इसको ऐसे करेंगे। सभी कारपेंटर भाई मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और दोस्तों कमेंट करें, और लाइक जरूर करना दोस्तों, लाइक का बटन जरूर दबाना, साथ में दोस्तों बेल आइकन का बटन उसको भी जरूर दबा देना, क्योंकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों इसके ऊपर बाला आ गया, फिर हम ऐसे करके रगड़ेंगे, ऐसे करेंगे, बाला है थोड़ा सा दोस्तों, इसको फिर ऐसे करेंगे। ये हमारी लग चुकी है दोस्तों, ये हो गया पूरा। गुटके रंधे की टेक में दोस्तों ये टप हमेशा बैठा रहना चाहिए, अगर बैठा जाए, अगर आपका ये फिट नहीं है तो आपका बुरादा पकड़ेगा, वो सही नहीं चलेगा आपका। दोस्तों इसको भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं, इसका कोना दोस्तों सभी की धारें आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जितने भी मेरे रंधे में इसी तरीके से धारें लगाता हूं दोस्तों। आप लोगों का काफी बार आप लोगों का कमेंट भी आया भैया धार पर वीडियो बनाओ, धार पर स्पेशल दोस्तों ये धार पर हमने वीडियो बनाई है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए साथ में बेल आइकन का बटन है, इसको जरूर जरूर आप दबा देना, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जो उनसे कारपेंटर भाई नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। धन्यवाद। Everything I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.